शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजू शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, वीडियो विशेष का एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय मैथमेटिक्स है। इस वीडियो में आपको चैप्टर 17 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो जरूर यहाँ पे कहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा। यहाँ पे साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कई जरूरी वीडियो है, जैसे आपका एग्जाम रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल, आपका एग्जाम असाइनमेंट, आपके एग्जामिनेशन डे शीट, कई ऐसे जरूरी वीडियो है जो आपके लिए मैं समय समय पर लाते रहता हूँ। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन वीडियो मिलती रहे और आपको कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। तो जैसा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो जैसे कहते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये आपके लिए गलती है कि यहाँ पे थ्योरम है जो कि एग्जाम में गलती है कि एग्जाम में आता है यहाँ पे। तो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, द टू टेंजेंट लाइन ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम द आउटर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू द लेंथ। तो ये आपकी थ्योरम है जो आपकी गलती एग्जाम में गलती है कि आती है यहाँ पे लगभग गलते दो नंबर में, तीन नंबर में, चार नंबर में आपके एग्जाम में आती है। तो इस थ्योरम को मैं आसान तरीके से आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। पी क्यू टी सेंटर ओ, तो सबसे पहले यहाँ पे गलत लिखे यहाँ पे दिया है गिवन, दिया में लिखे यहाँ पे ओ विड्थ का केंद्र है पी टी तथा क्यू एक बाह्य बिंदु टी से स्पर्श रेखा है। इंग्लिश में इसे लिखेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरे जो कराने का तरीका है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में लेकर चलना होता है, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो आपके लिए गलत है कि थ्योरम का सवाल ऐसे ही आता है यहाँ पे, और आपका लिए यह है कि गलत है कि गिवन है, फिगर है, प्रूफ है, ये आपको सबको आपको जो खुद करना है सारा कुछ। तो सवाल आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा यहाँ पे, बाकी आपको खुद करना है यहाँ पे। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पे हम ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट लाइन ऑन द सर्कल। तो ये आपको कहते हैं गिवन हो गया यहाँ पे, आपको दिया है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है यहाँ पे कि पी टी इक्वल है यहाँ पे क्यू टी के, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्यू टी के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सवाल थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पे करेंगे हम रचना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे जॉइन ओ टी ओ पी ओ क्यू, हिंदी में से लिखेंगे यहाँ पे ओ टी ओ पी और ओ की ओ क्यू
को मिलाया। आगे उत्पत्ति, प्रूफ इंग्लिश में लिखे गए इन ट्राइंगल ओ पी टी एंड ट्राइंगल ओ क्यू टी। तो यहाँ पे गलत है कि कंस्ट्रक्शन में जैसे कहते कहा गया था यहाँ पे कहते ओ टी ओ पी और ओ क्यू को मिलाया गया। ओ पी को मिलाया मैंने, ओ क्यू को मिलाया मैंने और ओ टी को मिलाया मैंने, तो यहाँ पे मैं गलत सबको मिला देता हूँ यहाँ पे मैं। इसके बाद यहाँ पे उत्पत्ति में देखा जाए कि यहाँ पे देखा जाए ये हमारा ये ट्रायंगल बनता है, इधर से हमारा ये ट्रायंगल बनता है, तो दोनों ट्रायंगल के लेके चलते हैं। मुझे ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। अगर मैंने गलती है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के मैंने तो कॉन्क्रीट कर दिया तो मेरा सवाल आसान हो जाता है। कैसे, तो दोनों में देखा जाए यहाँ पे ओ पी टी इक्वल है ओ क्यू टी के। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ओ पी टी ये वाला एंगल ओ पी टी हमारा ये वाला एंगल ओ क्यू टी ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए पे प्रत्येक 90 डिग्री, इंग्लिश में से लिखे गए यहाँ पे हम ईच 90 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखा जाए यहाँ पे तो हमारा एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि इस ट्रायंगल से प्रूफ हो चुका है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। और क्या चीज़ है, और इसमें यहाँ पे ओ पी इज इक्वल है ओ क्यू के। यहाँ पे देखा जाए ओ पी इक्वल है यहाँ पे हमारे ओ क्यू के। क्यों, ओ पी रेडियस है, यहाँ से भी रेडियस है, तो इस ट्रायंगल में देखा जाए ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों है, लिखेगा यहाँ पे हम सेम रेडियस, यहाँ पे समान त्रिज्या। एक बात और इसमें प्रूफ करनी पड़ेगी मुझे, अगर मैंने एक और चीज़ में प्रूफ कर दी तो ये कॉन्क्रीट हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए जो सबसे आसान है वो आसान क्या यहाँ पे कि ओ टी इज इक्वल है ओ टी के। ओ टी जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी आता है, ओ टी जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी आता है, तो ओ टी जो है साइड दोनों में कॉमन है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ओबेनिस्ट, हिंदी में लिखूँगा ओबेनिस्ट और इंग्लिश में लिखूँगा यहाँ पे कॉमन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखा जाए ट्रायंगल जो है यहाँ पे हमारा ओ पी टी कॉन्क्रीट हो जाता है। ट्रायंगल के इसके ओ क्यू टी के क्यों हो जाता है, हमने क्या क्या लिया, एंगल लिया, साइड लिया, साइड लिया। तो हमने सोचा यहाँ पे एंगल का ए, साइड का एस, साइड का एस, तो ए एस एस से ये ट्रायंगल जो होता है यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा जो है इस ट्रायंगल के कॉन्क्रीट हो जाता है। जब कॉन्क्रीट हो जाता है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि पी टी इज इक्वल होगा क्यू टी के। तो ये आसान तरीका है यहाँ पे सवाल को करने का यहाँ पे। तो चलिए आपके लिए एक और थ्योरम वाला सवाल, जो आपके लिए यहाँ पे थ्योरम तो नहीं लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है यहाँ पे। इस सवाल में आपको आपसे कहते कहा जा रहा है यहाँ पे यदि आकृति में ओ टी बराबर है 7 सेंटीमीटर तथा ओ पी बराबर है 25 सेंटीमीटर है तो पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त पर पी टी एक अन्य स्पर्श रेखा है तो पी टी तथा पी ओ टी भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी फिगर बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो फिगर यहाँ पे कहते हैं कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे, इस फिगर में आपको सवाल दिया है यहाँ पे यदि आकृति में ओ टी बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा ओ पी बराबर 25 सेंटीमीटर है तो पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त पर पी टी एक अन्य स्पर्श रेखा है तो पी टी तथा पी ओ टी भी ज्ञात कीजिए। इन फिगर ओ टी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड ओ पी इज इक्वल 25 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी इफ पी टी इज अनदर टेंजेंट टू दी सर्कल फाइंड दी लेंथ ऑफ द पी टी एंड द पी ओ टी। तो कोई मुश्किल नहीं यहाँ पे, जैसे कहते हैं कि सबसे पहले लिखे गए यहाँ पे गिवन क्या है, हमें सवाल में गिवन है यहाँ पे ओ पी टी इज इक्वल 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा देखा जाए यहाँ पे ओ पी टी हमें कहते हैं कि कितना गिवन है, ये भी कहते हैं 30, ये भी 30।
अगर ये भी ये 30 है तो ये भी 30 होगा यहाँ पे, तो हमें इतना गिवन है यहाँ पे। और हमें गिवन क्या है यहाँ पे, ओ टी इज इक्वल यहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ओ पी इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखा जाए पे हमारा जो ओ टी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ओ पी जो कि यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे, ये हमारा जो साइड है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ओ पी हमारा 25 सेंटीमीटर है। और हमसे यहाँ पे पूछा जाता है क्या कि पी टी कितना होगा, ये साइड जो है पी टी ये कितनी है ये बताइए। और हमसे एक और चीज़ पूछी जाती है यहाँ पे कि एंगल यहाँ पे पी ओ टी ये कितना होगा, पी ओ टी ये वाला एंगल यहाँ पे हमारा कितने डिग्री का होगा ये बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखा जाए यहाँ पे कि एंगल यहाँ पे हमारा ओ टी पी इक्वल है 90 डिग्री के, ओ टी पी ये वाला एंगल दोनों हमारे यहाँ पे कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। कारण यहाँ पे चलते क्या आएगा यहाँ पे हमारा, वेयर ए टेंजेंट मीट्स ए रेडियस, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। हिंदी में लिखे कैसे यहाँ पे, जहाँ एक स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है उनके बीच के कोण हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो ये कारण यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा किससे मिल रही है, त्रिज्या से मिल रही है। स्पर्श रेखा यहाँ पे और स्पर्श रेखा जो है हमारे यहाँ पे त्रिज्या से मिल रही है, तो यहाँ पे जो हमेशा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें देखा जाए पे हमें देखा जाए अगर 90 डिग्री का है तो ये ट्राइंगल क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। ये हमारा जो है देखा जाए पे राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी टी, तो यहाँ पे मैं चलते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ओ पी टी लेके चलता हूँ। यहाँ पे हिंदी में लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ पी टी में। तो देखा जाए यहाँ पे इसको मैं बेस ले लेता हूँ, बेस 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, तो ये हमारे कहते क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारे से क्या जो क्या हो जाता है हाइपोटेनस। यहाँ पे हमारा ये आधार हो जाता है, ये हमारा लंब हो जाता है, और ये हिस्सा हमारे कहते क्या हो जाता है कर्ण। अगर यहाँ से गलती है कि यहाँ पे मुझे गलती है कि पीओ दे कर्ण दे रखा मुझे, यहाँ से मुझे आधार दे रखा है, तो इनसे मैं गलती है कि ये जो लंब है निकाल सकता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरा पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो जैसे गलती है कि मुझे यहाँ पे निकालना है पी टी निकालना है, तो ये आधार लंब कर्ण बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो देखा जाए यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये होता है यहाँ पे कि लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग घटा आधार का वर्ग। तो मुझे यही करना है। तो अब इसमें गलती है कि हमारा गलती है कि जो लंब है हमारा क्या है पी टी है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ यहाँ पे क्या पी टी का स्क्वायर एच कर्ण, कर्ण यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे हमारा क्या है पी ओ है, पी ओ का स्क्वायर माइनस बेस, बेस है कि जो हमारा पे क्या है ओ टी है। तो यहाँ पे मैं गलती है कि जो ओ टी है लेके चल सकता हूँ यहाँ पे ओ टी का स्क्वायर, तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल पी ओ, तो पी ओ जो कि यहाँ पे हमारा कितना है 25 का स्क्वायर, ओ टी जो कि यहाँ पे हमारा कितना है 7 है 7 का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर इज इक्वल 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 कितना होता है
25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने पे आता है यहाँ पे हमारा 625। सेवन का स्केयर मतलब यहाँ पे कितने 7 into 7 और 7 into 7 जो कि होता है यहाँ पे हमारा कितना 49। पी टी स्केयर इज इक्वल 625 में से अगर मैं 49 माइनस कर देता हूँ, 625 में से अगर मैं 49 माइनस करता हूँ तो माइनस करने पे कितना आता है यहाँ पे हमारा 576 आता है यहाँ पे। स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा, रूट आएगा, तो पी टी इज इक्वल रूट में 576। तो 576 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे हमारा, तो पी टी अब 576 पेयर बनता है हमारा, किसका बनता है 24 into 24 यानी कि 24 की 24 से करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 576। और होता है क्या है कि जब रूट में जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर वो एक बार आता है, तो रूट में यहाँ पे वर्ग में यहाँ पे हमारा देखा जाए यहाँ पे जोड़ा बन चुका है, पेयर बन चुका है, तो पेयर बनने के बाद वो बाहर एक बार आएगा। पी टी इज इक्वल है यहाँ पे हमारा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखा जाए हमारा एक आंसर तो निकला आया, अब बाकी गलती है कि इसमें गलती है कि पूछा था कि एंगल भी बताओ कि एंगल यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ पी टी यहाँ पे त्रिभुज ओ पी टी में, अब इसमें देखा जाए यहाँ पे तो इस त्रिभुज में देखा जाए यहाँ पे हमारा एंगल यहाँ पे ओ पी टी प्लस एंगल ओ टी पी प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे हमारा ओ पी टी ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ओ पी टी है जैसे कि हमें सवाल में गिवन था यहाँ पे 30 डिग्री, ओ टी पी 90 डिग्री है और हमें यहाँ पे निकालना क्या है पी ओ टी निकालना है इज इक्वल 180 डिग्री। दोनों प्लस कर देते हैं 30 plus 90 कितना आ जाता है 120 प्लस पी ओ टी कितना 180 डिग्री। ये भी डिग्री है, डिग्री है तो डिग्री को डिग्री साथ ले जाते हैं, तो एंगल यहाँ पे पी ओ टी इज इक्वल यहाँ पे 180 माइनस 120 माइनस करा जाए तो यहाँ पे माइनस करने पर आता है कितना 60 डिग्री। और यहाँ पे चलते हैं कि जो है एंगल यहाँ पे ओ पी टी प्लस ओ टी पी प्लस एंगल पी ओ टी तीनों को जोड़ा मैंने, तीनों जोड़ के यहाँ पे 180 आए, कारण यहाँ पे क्या था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे हम सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस तरह से कहते हैं कि हम इन सवाल को कर लेते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि आपको कई समस्या हो सकती है यहाँ पे आपके, जैसे कि बुक्स नहीं आई है, आई कार्ड नहीं आया है, या कहीं से आपको कहते हैं कि पता नहीं चल रहा है कि आपके एग्ज़ाम कब हो गए, आपके प्रैक्टिकल कैसे हो गए, आपकी एग्ज़ाम फीस कैसे भरी जाएगी, या ऐसे कई समस्या आती है यहाँ पे। तो इन सब के लिए मैंने के लिए आपके लिए फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यहाँ पे STLC, यानी कि आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद यहाँ पे आपके जो भी सवाल है यहाँ पे आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ में गलती कि हो सकता है आपको दूसरों के सवालों के जवाब पता हो तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में आप एक दूसरे की हेल्प करिए, साथ में मैं भी हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपकी जो भी समस्या होगी उसको समझाने के लिए यहाँ पे, आपको जो भी सवाल होगा उसको बताने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।